जुलाई 2023 में दादा सौरव गांगुली, जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, उन्होंने बोला था जी कि मैंने तो विराट को बोला था कि आप कप्तानी ना छोड़ें, T20 की कप्तानी आप ना छोड़ें। 21 वर्ल्ड कप में जब जा रहे थे विराट, तो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बाद में विराट ने रेड बॉल भी छोड़ दिया था। विराट ने बोला था कि मैं वनडे कंटिन्यू करूंगा, तो सौरव गांगुली ने बोला था नहीं भी, हमें एक ही वाइट बॉल कैप्टन चाहिए, है ना। तो विराट की छुट्टी हो गई थी और फिर बुरे हाल हो गए थे हमारे 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, और बुरे हाल हो गए हमारे 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, जहां पर रोहित शर्मा के बिल्कुल रन नहीं आए। उसके बाद तो सौरव गांगुली ने कभी नहीं बोला कि मैंने बनाया था रोहित को कैप्टन, मैंने कर दिया था रोहित को ये, मैंने कर दिया। अब जब ODI वर्ल्ड कप ठीक हो गया और जब आप होम सीरीज जीते हो इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो सौरव गांगुली आके बोल रहे हैं आई मेड रोहित शर्मा कैप्टन बिकॉज आई सॉ टैलेंट इन हिम। अच्छा, एक टाइम पे आपने बोला था कि मैंने तो आई पर्सनली आस्क्ड विराट कोहली नॉट टू स्टेप डाउन एज T20 कैप्टन, और आज आप बोल रहे हो कि आई मेड रोहित शर्मा कैप्टन बिकॉज आई सॉ टैलेंट इन हिम। अच्छा, बाय द वे, ये जो बात करी थी इन्होंने कि आई पर्सनली आस्क्ड विराट कोहली नॉट टू स्टेप डाउन एज T20 कैप्टन, विराट ने खारिज कर दी थी। विराट ने बोला मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि तू स्टेप डाउन मत कर या ये मत कर, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी। और सौरव गांगुली चेतन शर्मा ये बोलते बोलते रह गए कि भाई हमने तो बोला था कि स्टेप डाउन मत कर, और आज सौरव गांगुली क्रेडिट खाने आ गए कि मैंने रोहित को, बेसिकली लग यही रहा है कि क्रेडिट खा रहे हैं कि मैंने रोहित को उसका टैलेंट देखते हुए, ये 2022 में जब मिट्टी पलीत हुई थी हमारी T20 वर्ल्ड कप में, तब क्यों नहीं आपने बोला था कि मैंने रोहित को कप्तान बनाया था, जब उसके रन भी नहीं आए थे और आपके बुरे फटे हाल भी हो गए थे T20 वर्ल्ड कप में। तो सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर हैज नन। जब फेलियर बन के आए थे T20 वर्ल्ड कप के बाद, तब आपने कभी नहीं बोला था कि फिर से कि भाई मैं, तब आप बोल रहे थे कि मैंने विराट को बोला था कि कप्तानी मत छोड़, तब आपने ये नहीं बोला था कि आई मेड रोहित शर्मा कैप्टन। भाई T20 वर्ल्ड कप 2022 आप हार के आए हो, तब आपको बोलना चाहिए था ना कि आई मेड रोहित शर्मा कैप्टन। अब जब एक होम सीरीज अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मान लिया बहुत बेहतरीन जीत है, रोहित तो तगड़ी जीत है, तो अब जब एक विदाउट विराट कोहली केएल राहुल, अब आपको मौका मिल गया कि आई मेड रोहित शर्मा कैप्टन व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, आपकी अचीवमेंट क्या थी एज प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई वो आप बताइए। बर्बाद करवा के रख दिया था आपने ऑलमोस्ट, ये विराट के पंगे, ये विराट का बुरा फॉर्म, हमारा 2021 का वर्ल्ड कप खराब होना, 2022 का वर्ल्ड कप खराब लगातार, और आज आप क्रेडिट खाने आ गए हो जब आप देख रहे हो कि जयशा थोड़ा बैकिंग कर रहे हैं अब फाइनली रोहित को, कि आई मेड हिम कैप्टन बिकॉज आई सॉ टैलेंट इन हिम। तो बोल्ड कॉल लेते, किसी और को बना सकते थे आप T20 वर्ल्ड कप में, किसी और को बना देते, रोहित को तो रन नहीं थे, आप उसकी बात करो ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। नहीं, और रोहित शर्मा तो वैसे भी 5 IPL ट्रॉफी जीत के आ ही रहे थे, तो कप्तानी का तो उनका पता ही था सबको, हाँ? तो भाई कैसे कप्तान है क्या नहीं है। अगर उनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता कप्तानी में या कोई बैकग्राउंड नहीं होता, और अगर तब आप इस तरीके का स्टेटमेंट देते कि भाई मैंने रोहित को कप्तान बनाया था, तो चलो समझ में भी आया कि आपने वाकई में कुछ टैलेंट देखा। लेकिन वो 2013 से कैप्टेंसी कर रहे हैं, बीच बीच में इंडिया की भी कैप्टेंसी की, 2018 एशिया कप भी जीते। अरे यार, ये आप बात तब करते ना जब 2022 में आप हार के आए हो, तब आप बोलते मैंने रोहित को कप्तान बनाया, तब भी बोलना चाहिए था, बोल सकते, तब बोल सकते थे आप, तब क्योंकि टीम हार गई थी, तब टीम हार गई थी, तब बोलते तो लोग इनके ऊपर उंगलियां उठाते। आज आप मौके पर चौका मार रहे हो कि मैंने कैप्टन देख के बनाया, वो करा, T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए, ये सब ड्रामेबाजियां हैं। बात ये है कि अगली एक सीन हो गया था विराट कोहली को, जो एक तरीके से अकॉर्डिंग टू विराट तो स्टेप डाउन कराया गया, मतलब कि उनको सिर्फ बोल दिया गया ODI की, तो वो करना चाह रहे थे ना ODI में, तो बिकॉज इंडिया में वो था ODI वर्ल्ड कप, और ODI वर्ल्ड कप में विराट, देखो विराट भी 2017 में बना ही बना था कप्तान, जब चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक ले गया, तो अगर आप रोहित शर्मा को क्रेडिट देते हो ODI वर्ल्ड कप फाइनल, तो विराट भी वर्ल्ड कप फाइनल तक ले गया था, मतलब वर्ल्ड कप नहीं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक ले गया था। उसके बाद 2019 में सेमीफाइनल भी था, है ना, WTC फाइनल भी था, तो सारी टेस्ट टीम तो विराट ने बनाई है, और रवि शास्त्री विराट, और 3 टेस्ट मैच भी जीता विराट, ओवरऑल टेस्ट में नंबर 1 भी बना आपको काफी साल, तो वो सारी अचीवमेंट्स है। लेकिन एक जगह पे यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट माननी जाती है, अब सेमीफाइनल फाइनल भाई इतना बड़ा चीज हो गई, तो विराट को हटाया क्यों था? अगर सेमीफाइनल और फाइनल इतनी बड़ी ही चीज थी, इतनी बड़ी अचीवमेंट ही थी, तो विराट भी तो पहुंचा रहा था। सही बात, इंडियन टीम अगर सेमीफाइनल फाइनल भी ना पहुंच पाए तब तो लानत है।
जो कि 2021 में हुआ, बट इसलिए हुआ बिकॉज विराट छोड़ रहा था T20 कप्तानी और टीम भी ऐसी गई थी जो मुझे तो समझ नहीं आई। और रोहित के तो रन आपको पता ही है T20 में तो आते ही नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं आया इंटरनेशनल में, वर्ल्ड कप में नहीं आया रन उनके, तीन चार जो देखोगे पीछे के वर्ल्ड कप। तो सौरभ गांगुली की मैं तो बातों से हैरान होता हूँ कि सारे के सारे बंदे आज की डेट में आउट हो गए, मुझे लग रहा है मौके पे चौका मारने के लिए तैयार हैं जी। सो आई एम वेरी अमेज्ड। सेकेंडली हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का भी जो ड्रामेबाजियाँ चल रही है ना, आई डोंट नो ये कितने दिन तक चलेंगी और कैसे चलेंगी। IPL के शुरू होने में पता चल जाएगा कि रोहित कितने कंफर्टेबल है पांड्या के साथ, क्योंकि तब तो सामने खेलना ही पड़ेगा ना। सही बात है, अगर रोहित कहीं और नहीं जा रहे तब तो हार्दिक कप्तानी में खेलना ही पड़ेगा। ये भी कि अब तो ईशान किशन भी वहां पे ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। ईशान किशन का क्या है भाई, आपने रोहित शर्मा ने भी स्टेटमेंट दे दिया, ईशान का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा तो वहीं पे लग रहा था कि जी जो लड़के जिनमें भूख नहीं है टेस्ट मैचेस की या रेड बॉल की उनको हम सिलेक्ट क्यों करें। फिर वहां से एक हुक्म भी जारी हुआ था कि जी आप खेल लें, आप डोमेस्टिक खेल लें। ईशान किशन पता नहीं अपनी हवा में चल रहा था, वो हार्दिक के दरबार में पहुंच गया, किंग हार्दिक के पास पहुंच गया। किंग हार्दिक ने बोला कि क्या फर्क पड़ता है बेटा, मैं तो 6 महीने से वैसे नहीं खेलता, टेस्ट मैच मैं नहीं खेलता, इंजर हो जाऊं बाहर रह लूं मेरी तो परमानेंट सीट रहती है सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी भी आप देख ले हार्दिक के लिए तो सही है ना, हार्दिक तो 5-6 महीने से है नहीं, फिर भी जितने भी टाइम से नहीं है, ए ग्रेड में है वो, ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में है वो। तो हार्दिक ने बोला यार क्या फर्क पड़ता है रेड बॉल खेले ना खेले, मैं तो वैसे नहीं खेलता, जब मैं नहीं खेलता तो तू क्यों खेलेगा, आ जा। तो BCCI ने बोला ले जा, उन्होंने निकाल लिया। श्रेयस अय्यर के साथ भी सेम हुआ, श्रेयस अय्यर भी भाई किसी भुलेखे में चल रहा था, सुनने में आ रहा है KKR का कैंप भी करा उसने कि आपका जब दो टेस्ट मैच के बाद वो बाहर हो गया। अच्छा ये बाहर निकालते ऐसे नहीं बोलते कि ड्रॉप कर दिया, बोलते बैक स्पैज़म हो गया। तो जो भी बहानेबाजी से उसको बाहर किया, व्हाटएवर द हेल दैट वाज, उसके बाद सुनने में आ रहा है रिपोर्ट्स ये भी है कि KKR के ट्रेनिंग कैंप में चले गए श्रेयस अय्यर जी, वो भी अपने अकड़ में होंगे कि मैं भी बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैं भी नहीं खेलूंगा डोमेस्टिक, उसको भी निकाल दिया। अब इन दोनों को निकाल दिया, रोहित जी ने बोल दिया जी देखो जो लड़के नहीं खेलते डोमेस्टिक या जो लड़के जिनमें भूख नहीं है टेस्ट मैच की हम क्यों सिलेक्ट करें। BCCI ने भी आड़े हाथों ले लिया। अब ये हार्दिक की अलग खिचड़ी पक रही है। अब मैंने कल भी ये बात करी थी कि श्रेयस अय्यर तो यार वर्ल्ड कप पूरा खेला, वो टेस्ट मैचेस भी खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, वो T20 भी खेल रहा है, वो ODI भी खेल रहा है, ठीक है यहाँ पे आके उसके रन नहीं आए, उसको तुमने इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो रेड बॉल नहीं खेला। हार्दिक तो खेलता भी नहीं है रेड बॉल, उसकी बॉडी है उसको अलाउ भी नहीं करती, वो टेस्ट मैच में बॉलिंग कर नहीं सकता, वो वैसे ही 5 दिन शायद नहीं खेल सकता। अगर उस पर तुम्हें इतना ही भरोसा था, 1 साल से वही कैप्टन था ना, उसी को कैप्टन रहने देते T20 वर्ल्ड कप में, तुम्हें ये भी भरोसा नहीं है कि वो बंदा खेल सकता है नहीं खेल सकता, कि वो होगा भी कि नहीं होगा, तभी तुमने रोहित को कैप्टन बनाया है, मरता क्या ना करता है। लास्ट चॉइस है तुम्हारी, आज तुम दिखा रहे हो, जैसे चेतन शर्मा ने भी यही ड्रामेबाजियां करी थी, जब रोहित शर्मा कैप्टन बने थे विराट कोहली हटे थे तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब साउथ अफ्रीका में विराट कोहली टेस्ट के कप्तान थे, पहला टेस्ट जीत भी गए थे, तो चेतन शर्मा जी ने यहाँ पे कहा था कि रोहित शर्मा नंबर 1 क्रिकेटर है हमारे, तो विराट ने वो भी छोड़ दिया, टेस्ट भी छोड़ दिया, वो सीरीज भी तुम हार गए, टेस्ट की कप्तानी जबकि विराट की बनती थी, और रोहित की कोई इतना बड़ा वो नहीं था T20 में, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी वर्ल्ड कप्स में, और उसके बाद नंबर 1 क्रिकेटर ने क्या मरवाया तुम्हें T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में, वो रन तो नहीं। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए ना, अब अभी भी ये अब इतना ज्यादा ओवरसेल कर रहे हैं रोहित शर्मा, गांगुली के बयान आ रहे हैं, जय शाह साहब बैक कर रहे हैं कि जी हम वहां पे झंडे गाड़ देंगे बारबेडोस में, पता नहीं कौन से झंडे लेके जाएंगे कौन से गाड़ेंगे, और तो ये तमाशा बड़ा अजीब और गरीब तमाशा मुझे लगता है। हार्दिक के लिए अलग मापदंड है, ईशान के लिए अलग मापदंड है, ईशान को तो वैसे भी मेरे ख्याल से सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉमिसिंग प्लेयर है ना, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, आपने अगर उसको डिसिप्लिन करना ही था तो आप उसकी भी बात सुन लेते या उसको बोलते, खैर वो तो चलो एक एग्जांपल देना था, आने वाले टाइम में हो सकता है श्रेयस अय्यर के बीच जो सारा हुआ, फिर PR कैंपेन चल रही थी, लास्ट मोमेंट पे वो आ गया कि जी TOI का आर्टिकल आ गया, जिस दिन उसको निकाला गया है, जब उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, उससे पहले एक दिन पहले TOI का आर्टिकल आ गया कि जी वो तो खेलना चाहता है, वो पहले भी खेला था अभी भी खेलना चाहता है, बट दे वांटेड टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ दीस टू, दे डन इट। आज
आई थिंक पांडे जी का ये वो है आर्टिकल है, पांडे जी ने लिखा है नहीं, एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, एक्सप्रेस में मैं आई एम गेसिंग के पांडे जी का मैं, लेकिन उसमें आ गया जी हार्दिक पांड्या को बोल दिया गया कि डोमेस्टिक व्हाइट बॉल खेलना नहीं तो तेरे को भी निकाल सकते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला। भाई ये इन्होंने पहले भी लिखा था कि जी रोहित शर्मा जो है वो साउथ अफ्रीका में T20 खेलेंगे और कप्तानी करेंगे, वो तो नहीं गए, पांडे जी का नहीं है, उनका नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस की खबर थी पहले कि जी वो करेंगे कप्तानी, उन्होंने नहीं करी। अब इनकी खबर क्या आ रही है एक्सप्रेस की कि जी हार्दिक पांड्या जो है वो उनको भी बोल दिया गया है, उन्होंने बोला मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूं, मैं डोमेस्टिक व्हाइट बॉल खेलूंगा। भाई इसके बाद है IPL, वो अभी तो खेला नहीं कुछ भी, अब वो खेलेगा IPL, फिर वो खेलेगा वर्ल्ड कप, उसके बाद तुम्हारा व्हाइट बॉल का कुछ होगा, सीरीज भी होंगी, तुम बोल रहे हो उसमें व्हाइट बॉल जाके वो डोमेस्टिक खेल ले, मुश्ताक अली खेल ले या कुछ और खेल ले। नहीं, उस टाइम में हार्दिक ने ऐसा BCCI को कन्वे किया है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान जब आपकी टेस्ट सीरीज चल रही होगी यहाँ पर इंडिया में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उस टाइम पे स्मैट भी चल रहा होगा और इंडिया में सैयद मुश्ताक, तो उसमें हार्दिक ने बोला है कि उस टाइम में मैं अगर फिट होता हूँ और बॉडी अलाउ करती है तो मैं खेलूंगा। वाह, ये उसने उन्होंने शुरू किया, मुश्ताक अली और विजय फिट होगा तो ही खेलेगा, अनफिट को तो नहीं, वो टीम ही नहीं लेगी उसको, लेकिन ये खबरें अजीबो गरीब खबरें जो है ना, ये रोज अजीबो गरीब तरीके से पेश हो रही हैं। कभी भी कोई भी यू टर्न ले सकता है, कोई भी किसी भी रोड पे चल सकता है। मैं तो IPL देखने के लिए उत्सुक हूँ कि IPL में होगा क्या, IPL में और मुंबई इंडियंस में। ऊपर नीचे होता है हार्दिक का परफॉर्मेंस, अगर ऊपर नीचे होता है रोहित का परफॉर्मेंस, अगर ऊपर नीचे होता है विराट का परफॉर्मेंस, बुमराह, आपके जो जितने भी शमी भाई वैसे ही बाहर हैं, जितने सीनियर हैं, सूर्या, अर्शदीप, शमी वैसे ही बाहर, सूर्या तो चलो यार IPL में रन बना ही लेगा, नंबर वन T20, लेकिन विराट, विराट, रोहित, हार्दिक, बुमराह को भी रेस्ट दे दिया ना आपने टेस्ट मैच से, बाय द वे कुलदीप वगैरह भी, चलो लेकिन इन्हीं पे है, हार्दिक पे, विराट पे, रोहित पे, बुमराह, और उसमें मेरे ख्याल से जडेजा भी शामिल। हाँ, जडेजा भी T20 में, जडेजा खेलेगा ही खेलेगा, जाएगा जडेजा खेलेगा ही खेलेगा, अगर कोई अंदर बनाएगा जगह वो होगा KL राहुल, वो राजा बेटा एंड में आएगा, लेकिन राजा बेटा कंफर्म नहीं है, फर्स्ट लेग जो है वो आ जाएगा जी, मिस कर सकते हैं। एक बात बताओ, राजा बेटा को क्या इंजरी हुई है वैसे, ऐसी कि वो भारी हो गया, एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला, क्वाड्रिसेप्स पे यार वो कुछ और, उस दिन तो वो प्रैक्टिस करते हुए उसने खुद डाला था, प्रैक्टिस के वो नेट सेशन कर रहा है, और ऐसी कोई इंजरी नहीं थी, नेट सेशन करते हुए डाला था कि नहीं डाला था उसने, इतना टाइम लग जाएगा, डाला था शायद पूरा, सारे चारों टेस्ट मैच छोड़ दिया उसने, ये कौन सी इंजरी है भाई, और अब लंदन भी, और ये KL राहुल की इंजरी, ये हार्दिक पांड्या की इंजरी, श्रेयस अय्यर बीच में इंजर होता है, अब तो शुक्र है कि कप्तान साहब काफी टाइम से खेल रहे हैं, वरना वो भी छोड़ देते थे, अभी भी वैसे वो भी रेस्ट लेके आए अफगानिस्तान के अगेंस्ट से पहले, साउथ अफ्रीका नहीं गए थे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाली सीरीज में नहीं गए थे, मतलब साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस के लिए गए थे, व्हाइट बॉल नहीं खेले, तो उनको भी एक डेढ़ महीने का ब्रेक मिला है तगड़ा। अभी विराट कोहली पर्सनल रीजन की वजह से बाहर है, बुमराह काफी टाइम इंजरी की वजह से बाहर रहा है, रविंद्र जडेजा काफी टाइम इंजरी की वजह से बाहर रहा है, हमारे ये सारे प्लेयर इंजरी क्यों रहते हैं भाई, इतने किसी टीम के दुनिया में प्लेयर हैं जो इंजर रहते होंगे इतनी फ्रीक्वेंटली, जो 11 में तुमने बैक करें, और ये KL राहुल, ये श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंदर जडेजा, ये तो हद से ज्यादा इंजर रहे हैं यार, हद से ज्यादा, दुनिया में कोई टीम नहीं है ऐसी मेरे ख्याल से जिसके इतने प्लेयर जो तुमने बैक करे 11 में रेगुलर जगह बनाने के लिए वो इतने इंजर्ड रहे हैं। सही बात है, और ये कभी भी इंजरी का बहाना, मतलब बहाना ही लगता है, जिस तरीके से आप श्रेयस अय्यर बैक स्पैज़म हो गया जी, अबे सीधा बोलो ड्रॉप करा, रन नहीं बन रहे उससे, नहीं वो तो खुद भी बोल के गया था कि मेरा बैक स्पैज़म है, और NCA ने बोल दिया था कि भाई क्लीन चिट है, कोई नहीं, नहीं। वो गया टीम मैनेजर बोला जी बैक स्पैज़म, NCA ने बोल दिया जी मैच फिट है, मैच फिट है, तभी तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि भाई झूठ बोल के, यहीं पर तो अल्टीमेट ड्रामा है इनका भाई, यहीं पर KL राहुल का भी मेरे को तो समझ नहीं आई भाई, एक टेस्ट मैच में बंदा अवेलेबल नहीं है, एक टेस्ट मैच, ऐसी क्या इंजरी हो गई थी, ऐसा हुआ क्या है इसको, KL राहुल भी मुझे लगा ये अभी एशिया कप से पहले इंजर था कितने टाइम, ये एशिया कप वर्ल्ड कप खेल गया, ऑलमोस्ट एक साथ अफ्रीका खेल गया, फिर इंडिया आया फिर ये इंजर हो गया, अब ये चार टेस्ट मैच मिस कर रहा है, अब नेक्स्ट टेस्ट मैच तो 7 तारीख को है,
एक डेढ़ महीने से फिर नहीं खेला ये टेस्ट मैच नहीं। और बीच में ये वो डाल रहा था कि जी मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टेस्ट मैच भी मिस कर रहा है राहुल का, तो इतना क्वाइट पॉसिबल कि आगे आके फर्स्ट लेग जो है वो भी है। और केएल राहुल का सस्पेंस समझ में नहीं आता है कि अगर आप वो एक तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर इंजरी क्या, ऐसी क्या इंजरी है कि जिसके लिए लंदन भी भेजा जा रहा है। पेन था, स्ट्रेन था, तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या वो प्रैक्टिस करने की वजह से एग्रीवेट हो गई कि लंदन भेजना पड़ रहा है इंजरी मैनेजमेंट के लिए, कि बाद में आएंगे फिर रिहैब भी करना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा भाई इधर तो।